मार क्यों रही है? कुछ कह रही हूँ। तू दूर चली जा, मुझे पसंद नहीं है तू बिल्कुल। तू मेरे से दूर होके बात कर। मैं टेलीफोन नंबर लिख दूंगा, मुझे अब तंग तो नहीं करोगे? नहीं सर। कोई लड़की वड़की फोन तो नहीं करेगी मेरे को? अरे हंस रहे हो। करोगी तो बताओ, तभी दूंगा। सस्पेंशन हिल रहा भाई इसका, ट्रेन का सस्पेंशन का काम मांग रही है ट्रेन। भाई साहब बदबू नहीं आती मेरे ना, टेंशन मत लेना। क्या? नहीं जुराफी पहन के आया हूँ। हाउ आर यू? जय माता दी। यही है भाई, यही है राजधानी। बहुत दुख है। जय माता दी। भाई देखो सबसे अच्छी बात पता क्या है, एक तो ट्रिप शुरू हो गया है, और उससे भी अच्छी बात क्या है कि पहला ही ट्रिप जो है ना, माता का ट्रिप है, वहां से शुरू हो रहा हूँ। जब से मतलब हेल्थ खराब हुई थी, 3 महीने से कोई विजिट नहीं कर पाया, अपने होम टाउन तक नहीं जा पाया, जहाँ हर महीने एक बार चक्कर लग जाता था, तो कहीं नहीं जा पाया। और सबसे अच्छी बात है, जैसे ही तबीयत ठीक हुई, जैसे ही दवाइयों का असर हुआ, जैसे ही मेरे को वापस सब कुछ ठीक लगने लगा, पहला ही ट्रिप जो हुआ वो वैष्णो माता का हुआ है यार। ये हर साल का हमारा रिचुअल रहता है, और फाइनली ये दिन आ गया है जिस दिन हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो आओ, आपको कंप्लीट दर्शन, कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ देता हुआ चलूंगा, तो मेरे साथ आ जाओ आप। जय माता दी। तुम अपनी जो है कैब आ चुकी है, और GPS जो बता रहा है 1 घंटे का टाइम बता रहा है। OTP भैया मांगेगा भैया? हाँ। ये बिना OTP चलेगा? OTP नहीं चलेगा? चलेगा। 1287 भैया ने बोला OTP बिना नहीं चलेगा। भैया लाइट का बिल जमा करा रखा है? अरे करा रखा है भैया यार, क्योंकि पिछली बार जितनी बार गया हूँ टैक्सियों पे, नॉर्मली लाइट पिछली चलती नहीं है, पर भैया की चल रही है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा अजमेरी गेट, क्योंकि इस बार जो है हम जा रहे हैं राजधानी ट्रेन से। इस बार हमने वंदे भारत नहीं ली, इस बार राजधानी ट्रेन ली है। वो क्यों ली है मैं आपको बताता रहूंगा, इसका बहुत बड़ा रीजन है यार, आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये चीज। तो फटाफट पहुंचते हैं स्टेशन में सर। लेकिन एक बात है, जब भी ये ट्रिप होता है ना, खासकर हमारी फैमिली के बीच में ना, एक्साइटमेंट लेवल डबल ट्रिपल हो जाता है। इस ट्रिप की हमेशा से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है हमारे को, और बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मतलब माता रानी की कृपा से पिछले 14 साल से ऑलमोस्ट ये ट्रिप हर साल हो रहा है। बस बीच में कोविड वाला जो टाइम था, दो साल हम ये ट्रिप नहीं कर पाए, अदरवाइज 12 साल लगातार हमने ट्रिप किया है और करते आ रहे हैं, और आगे भी भगवान करे करते रहे ऐसे ही, माता रानी की कृपा रहे। जब मिशी हुई थी, हम अकेले गए थे। हाँ, मिशी का जब हुई थी तब 2 महीने बाद, क्योंकि बड़ी खुशी हुई थी यार, हमारे घर लक्ष्मी आई है, तो लेकिन आंचल तो जाने के उसमें नहीं थी, फिर मैं अकेला गया था तब। मजेदार था भाई। तो चलो आगे चलते हैं, बढ़िया बढ़िया मौज मस्ती कर चल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है ना घोड़ा नहीं लेना, इस बार ना कुछ और लेना, वो आगे जाके बताएंगे क्या लेना। घोड़ा नहीं लेना इस बार ना, पैदल भी नहीं चलना, पर आगे बताएंगे करना क्या है। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भैया गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी, हम तुम्हारे साथ है ना भाई साहब। जाम हो जाते हैं वहां, जाम हो जाता है भाई। नहीं चाहिए वाला जाम हो चाहे दूसरा जाम हो। कोई बात नहीं। तो भाई देखो, दिल्ली में निकले हैं तो जाम तो मिलना ही मिलना है। 8 बजे भी पहुंचे तो कोई टेंशन नहीं है। अपनी जो ट्रेन है वो है राजधानी ट्रेन है, जो 8:40 में दिल्ली में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे होपफुली शायद उसी में चलती है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लूंगा। अब हम राजधानी ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा यार, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बताऊंगा ना सब। अभी भी मेरे को ना इनकम टैक्स ऑफिसर दिखे थे, मैंने कहा तुम्हें भी जरा दिखला दूं, लेकिन गायब हो गए एकदम से छापेमारी करेंगे, यहाँ से निकल लेना भैया इनकम टैक्स ऑफिसर घूम रहे हैं यहाँ पे, वो देखा आपने, यही घूम रहे हैं वो, हाय हाय करेंगे और फिर देने भी पड़ेंगे। अभी यही थे भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर देख लो ये, तुम अट्टा बच्चा है तुम। ओ बेटे भैया हाय हाय करके ले लेगा ये, जल्दी निकल लो, मूछो वाला है। ओ बेटे ओ मूछो वाला, अरे हाँ नहीं नहीं लिपस्टिक लगाई है तुझे, मुझे लग रही है वो काली लिपस्टिक थी वो। हाय हाय जय माता दी। मूछो वाला भी हो सकता है, क्या होता शेव करना भूल गया आज है ना, जल्दी जल्दी भी निकल गया बेचारा सुबह सुबह। तो भाई अपन आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड, बहुत सारे कूली हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी गाड़ी में आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम खुद कूली हैं। कूली मैं भी हूँ, मैं तो खुद ही बहुत काम काज करता हूँ भैया। हाँ जी भैया, मैं खुद ही कूली हूँ भैया।
बहुत बहुत खुशी हो रही है। देखो मेरी ना शक्तियाँ भी मेरी बढ़ गई है, जबकि मैं कमजोरी फील कर रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं पता नहीं कितना सफ़र कर पाऊँगा कितना नहीं, लेकिन मुझे लगता है माता रानी ने ना मुझे शक्तियाँ देनी शुरू कर दी है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ही बहुत शक्तिशाली और बहुत तंदुरुस्त जो है फीलिंग कर रहा हूँ। अरे हाँ, हमेशा की तरह जो है स्टेशन में भीड़, खासकर इस तरफ से एंट्री करो तो ये थोड़ी सी भसड़ वाली एंट्री होती है, बट हमारा यार हमेशा प्लेटफॉर्म ही यहीं से होता है तो फिर यहीं से जाना पड़ेगा। भैया जी नहीं जाओगे कहाँ, हम चले जाएं। अरे भैया हमारे बैग में बहुत पैसा है, हमें लेने दो, हमारा बैग बहुत पैसा है, 50 लाख रुपये लेके जा रहे हैं, बहुत नोट भरे हैं इसमें। बहुत दुख है भाई साहब, बहुत दुख है। भाई शादीशुदा आदमी था जो बहुत दुखी था, पक्का शादीशुदा था ये, और उसकी बीवी ने ना इसको चप्पलों से मारा भाई, इसलिए ज़्यादा दुखी था ये। अगर तो नीचे जाना इधर चलो इधर अपनी, मुझे लग रहा है कि शायद ये राजधानी ट्रेन आ गई है, शायद आई एम नॉट श्योर। यही है भाई, यही है राजधानी, यही है भाई, यही है, इसी से जाएंगे। जय माता दी। लो भाई आ गई अपनी ट्रेन, अपना है जो क्या बोलते हैं इसको, कोच A1 कोच में हमारा 25, 27, 29 ऐसे कुछ नंबर है, तो वहाँ आराम से बैठेंगे, आराम से बैठ के जाएंगे, खाना खाएंगे, इसमें खाने को मिलेगा। बढ़िया ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन में आती है राजधानी ट्रेन, और लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत कंफर्टेबल रहती है। अब हमने जो है वंदे भारत क्यों नहीं ली, वो हम आगे जाके बताएंगे, जैसे ही बैठता हूँ वैसे ही बताऊंगा भाई, इसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी कर देंगे, क्योंकि मैंने आज तक राजधानी का रिव्यू नहीं किया है ना, नहीं किया था लास्ट में किया भाई। बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है यहाँ तो, ठंड सी लग रही। हरे राम हरे राम हरे राम, जय माता दी। मुद्दे वाली बात यह है, 27 अपना है, 25 मतलब दोनों नीचे वाली अपनी हो गई, बढ़िया, और एक वो नीचे वाली अपनी हो गई 29, तो आई थिंक इट इज़ फाइन विद अस। या तो यार मैं यही कह रहा था कि मैंने जो है ये राजधानी ट्रेन क्यों ली, इसलिए ली क्योंकि एक मेरा आज वर्किंग था, लास्ट डे ऑफ द मंथ था, सेल्स का आदमी हूँ तो पूरा दिन काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात है ये रात को चलती है, तो आपकी जो रात है ना वो सोना घर पे भी है ट्रेन में भी है, तो इट इज़ अच्छा है कि उतने में आप रास्ता पूरा करो, लोग सोते सोते चले जाओ भाई साहब। सुबह 5, 5:30 बजे डॉट आपको ये जम्मू छोड़ देगी, वहाँ से हम कैब लेंगे और कटरा पहुँच जाएंगे 7:30 बजे के आसपास। तो मेरे को और दूसरी तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वंदे भारत जो है वो उसमें सिर्फ सिटिंग चेयर कार है, उसमें बैठ सोने का नहीं है भाई साहब। 5-6 घंटे के बाद ना तशरीफों में ना जो आपकी तशरीफें हैं ना थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो इतना मतलब ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा आता है, तो इट इज़ बेटर आप सोते हुए जाओ, बढ़िया आराम से रिलैक्स करते हुए जाओ और आराम से पहुँचो। यही था सबसे बड़ा रीज़न मेरा जो हम राजधानी से जा रहे हैं। हम आते हुए भी स्लीपर से आएंगे, मतलब लेट के सोते हुए आएंगे, वो मैं बताऊँगा कौन सी ट्रेन से आएंगे, उसका भी टाइमिंग का कुछ इशू था तो इसलिए हमने वो वाली ट्रेन ली है। तो आओ आगे बढ़ते हैं, अभी खाएंगे पियेंगे वादे के मुताबिक, मौज करेंगे और जय माता दी बोलते हुए वैष्णो देवी पहुँच जाए। मैं देखो थोड़ा थोड़ा आपको वो दिखा देते हैं कि देखो ये सामने ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, क्योंकि नीचे वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि नीचे वाले जो हैं जो नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि वो ये यूज़ कर सकते हैं खाने पीने के लिए, ऊपर वालों को ऊपर बैठ के ही जुगाड़ करना पड़ेगा, तो एक ये चीज़ अच्छी है। अच्छा फिर यहाँ पे ना एक लाइट लगेगी पढ़ने पढ़ने के लिए, अरे वेट ये देखो लाइट जल गई, वहाँ पे भी ऐसी है लाइट, और ऊपर जो है चार्जिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, तो अभी हम थोड़ी देर बाद अपना चार्ज वार्ज यहाँ पे कर लेंगे। बहुत खुश है सर, और अपनी बॉटल जो है यहाँ पे आप सजा सकते हो, रख सकते हो। How are you? जय माता दी। वैष्णो देवी जा रहे हो? जी जी जी, जा तो रहे हैं। आपकी शुभकामनाएं बनी रहे और सारे काम बने आपकी बेटी राजू। क्या बात है, जय माता दी, क्या बात है, जय माता दी, भला हो आप, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मेरे भैया ने दिया मुझे 500, भला हो, राजू भी बाबू जी बने हुए, राजू बाय 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 बाय। वेट टिश्यूज, नैपकिन, पेपर सोप, they know what is required here, and the best part is they are only speaking English. Yeah, that's good. Yeah bhai, income tax officer bol to sahi ekdam se aaya bhai, aur tax kar diya, jaise kalpati mein bandook rakh dete hai na, aur bhai aise aise wo dialogue maar dete hai ki banda na fir emotional ho jata hai yaar ekdam se, yaar wo seedha bachcha beech mein aa jata hai, to bhai fir to tumhe pata hai, fir to bharat mein to fir baap to bhai sahab jayadad bech de, तो ठीक है भाई, लेकिन ठीक है उनके सुना लगती है उनकी वो क्या बोलते हैं दुआएं तो ले ली भाई, अपने को तो बहुत जरूरत है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा चाहिए, भर भर के चाहिए। तो मैं भी सोच रहा था कि जूते वूते उतार के आराम से बैठो,
भाई साहब बदबू नहीं आती मेरे ना, टेंशन मत लेना। क्या? नहीं जुराबी पहन के आया। अभी नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से। भाई डॉट टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट 8:40 पे ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई है। ये चीज अच्छी है, जो अच्छी ट्रेन होती है ना, जो थोड़ी ब्रांडेड होती है, मतलब जो थोड़ी मतलब नामी गिरामी पॉपुलर ट्रेन होती है नॉर्मली, जैसे राजधानी होगी, शताब्दी होगी, वंदे भारत होगी, दे ऑल आर नॉर्मली दे आर ऑन टाइम। ये भी उसी की तरह है। और शायद 5:15 तीन तो ले लेती, तो एक और मुझे लगा तो चौथी की बात कर रही है। भाई थोड़ा खाने पीने के लिए ना हम अपने लिए अखरोट बादाम ले आए थे, क्योंकि शक्ति सफूर्ति बहुत जरूरी है और कुछ होना चाहिए कुछ पौष्टिक खाने के लिए, वो हम लेकर आ गए। भाई एक्चुअली क्या है, 9 बज गए और ना हम नॉर्मली 7:30-8 बजे खाना खाने वाले लोग हैं, तो भाई सबके ना पेट में एकदम बढ़िया चूहे पूत रहे हैं, भाई सब पूत रहे हैं, तो है चूहे बिल्ली सब पूत रहे हैं, भूख तेज लग रही है, जल्दी से जो है कमेंट पड़ रहा था मनोज भाई यार, वो वीडियो मैंने डाली थी यार, हाँ यार मेरा मन फॉर्च्यूनर लेने का ही है, टू बी वेरी फ्रैंक मेरा पैसे नहीं है, अब आप सब लोग मेरे को 500 रुपये उधार दे दो यार, आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, खाता का माता वापस दे दूंगा, मेरा वादा है 500 रुपये सारे सब्सक्राइबर जो है मुझे बस उधार दे दो, गिफ्ट दे दो यार प्लीज यार, फॉर्च्यूनर ले लूँगा यार। चॉकलेट नहीं चाहिए भाई, चॉकलेट चाहिए? अच्छा भाई बीवी कुछ काम की चीज निकाल रही है, पिस्तौल तो नहीं है क्या, तुम ट्रेन में पिस्तौल लेके आई हो? अच्छा भाई सही बात है भाई, अग्गू पग्गू के बाद ना बहुत जरूरी है ये, मतलब यार व्हेनेवर यू आर ट्रेवलिंग ना, खासकर ऐसे पिलग्रिमेज में जहाँ पे आपको पता है कि कहीं पे भी कुछ भी करना पड़ सकता है, तो ये होना बहुत जरूरी है भाई, दिस इज गुड, तो ये जरूर कैरी करें अपने साथ जब भी आप ट्रेन में कहीं पे भी ऐसी जगह पे सफर कर रहे हो, और सफर जब लंबा हो तो आप ये जरूर, और सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज है भाई साहब, और काम आपका हो जाता है बढ़िया वाला। तो खाना पैसे दिए भी हमने मजाक कर रहा तो भाई एज यूजुअल एक पनीर की सब्जी होगी, एक चना दाल होगी, एक शायद आलू की सब्जी होगी, हाँ तीन चीजें होंगी, थोड़े चावल होंगे, थोड़े से दो रोटी होंगी पतली पतली एकदम, नहीं भी होगा नहीं। होता तो साहब अब पता नहीं होगा नहीं होगा, दिन में तो होता है, हाँ नहीं है ना? तीन थैंक यू, बट ये भी तो है ना सर, ये मतलब इनका भी हुआ देखो। पैसे तो इन्होंने भी दिए होंगे है ना, है ना पैसे तो इन्होंने भी दिए होंगे, नहीं दिए खाने को, सब्जी तो नॉर्मल सब्जी आ गई, एक पनीर आ गया और एक दाल आ गई जो हमेशा होता है, सर इसमें राइस है, खाना ठीक ठाक है। हाय 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 आइसक्रीम चल रही है भाई, कैसे भैया ठीक हो? बढ़िया बढ़िया हो भाई, मैंने कहा सब सो रहे हैं, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, वॉशरूम जाके आते हैं, वॉशरूम गंजे वॉशरूम नहीं है भाई, ये तो वॉश बेसन है, ये हाथों धोने के लिए जुगाड़ है यहाँ पे, ठीक है, और दो ये वॉशरूम बने हुए हैं, एक यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, एक कोई अंदर संडास में है, और मैं अंदर जाऊँगा। ओह बेटे वीकेंड देखो भाई, बस ये जो वॉशरूम है ना भाई, ओ बेटे साड़ी भाई देखो, ये वॉशरूम जो है ना इसमें ये की दिक्कत है, इनमें ये जो है जो हक्कू करने का जो है ना जुगाड़ वो देसी है, मतलब तो इसलिए ना जो अंग्रेजी स्टाइल में जिनको बैठ के आदत पड़ गई है ना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, तो कोशिश करें कि आप घर से ही करके आए ताकि आपको ये दिक्कत हो ना, बाकी सब ठीक है, वो ऐसे साफ सुथरा है, गंदमंद नहीं मचा हुआ, बदबू भी नहीं आ रही, सब ठीक है, मतलब सही है, ऑल ओके, ये डिस्पेंसर भी लगा हुआ है जिसमें साबुन है नहीं है, बट कोई बात नहीं, अपने को कुछ करना नहीं है, मैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का देखने आया था बस भाई, मस्त तोते बिठा रहा जो भी अंदर है बहुत देर से, तो आओ हमने जो है बढ़िया देख लिया, अब हम सोएंगे। अरे भैया थैंक यू, आराम से आराम से, सस्पेंशन हिल रहा है भाई इसका, ट्रेन का सस्पेंशन का काम मांग रही है ट्रेन भाई, चल रही है भाई देखो, ट्रेन में सफाई रहती है पूरी, अच्छा साफ है,
कचरा नहीं है भैया, यही कचरा है, इसको ले जाओ। भाई देखो अपन ने तो मस्त टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी थी हमने तो बिछा दी, अब मस्त कंबल लेते हैं। आओ भैया आओ निकल जाओ। ये देखो भाई ये अपना मस्त सूती कंबल है, आराम से यहाँ लौटेंगे, थोड़ी देर अपने आप से बकैती करेंगे और सो जाएंगे। अपने आप से बातें करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेरा सर खाने के लिए मेरी बीवी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। इनसे दूर लिया था मैंने जानबूझ के। भाई इनको देखो उधर उधर ठहरा दिया, मैं यहाँ जाऊँगा ताकि ये मेरे को ना तंग ना कर सके। चलो मिशी गुड नाइट। ऊपर क्यों चढ़ गए आप, ये सच में ऊपर लटेगी? हाँ चलो ठीक है। फिट बैग, फिट बैग समझा नहीं मैं। अच्छा फीट बैग, अरे इंग्लिश बोल रहे हो, फिट बैग, ओह इंग्लिश बोल रहे हो भैया, बहुत अच्छा लगा। फीडबैक देंगे आपको एकदम जबरदस्त भैया, ये तो बहुत अच्छी चीज ले आए। फीडबैक 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 फिट बैंड भैया, एक्सीलेंट, एक नंबर एक नंबर। पर टेलीफोन नंबर लिख दूंगा, मुझे आप तंग तो नहीं करोगे? नहीं सर। कोई लड़की वड़की फोन तो नहीं करेगी मेरे को? अरे हंस रहे हो, करोगी तो बताओ तभी दूंगा, दे देना किसी को मेरा नंबर भैया। चलो मैं लिख रहा हूँ, मैं फोन का इंतजार करूंगा, फोन का इंतजार करूंगा, मुझे फोन आएगा ना पक्का, मीठी सी आवाज होनी चाहिए। भाई अब मैं आराम से जो है यहाँ पे लेटूंगा, और मैं सब लोगों से पहले से ही माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग दुखी होने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि सारे लोग जल्दी से सो जाए, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर बाकी लोग नहीं सो पाएंगे। तो मैं 10 मिनट सबको दे रहा हूँ कि सब सो जाओ। देखो भाई मैं तो यहाँ पे लेट गया था आराम से, देखो फिर मुझे डसना शुरू कर दिया, अब यहाँ पे मुझे काम करने के लिए बुला रही है, कह रही मेरा कंबल, मेरा गद्दा बिछाओ, मेरा चादर बिछाओ। यार ये देखो ना ये गलत बात है, ये ना पता है घर में तो कोई देखने वाला नहीं होता, दुनिया के सामने भी मेरी बेइज्जती कराते हैं मेरे से काम करवाते। भाई माँ कसम भी ना मेरी बीवी ना मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, पर मैं मार खाऊंगा नहीं आज, क्योंकि आज जो है उसका बिस्तर जो है उसने खुद सजाया है, नहीं तो ये ड्यूटी मेरी रहती। मारना चाहती मेरे को? क्या ड्यूटी, किस चीज की? मार क्यों रही है? कुछ कह रही हूँ तू दूर चली जा फिर, मुझे पसंद नहीं है तू बिल्कुल। तू मेरे से दूर होके बात कर। है ये कितना खराब है ये आदमी, अरे ना दोनों बदनाम कर जा रही है। अगर ये मारने आई थी वो आप लोगों के लिहाज से, पता कैमरा होना इसलिए बच गया, कैमरा नहीं बचा रखा मेरे को। भाइयों और बहनों मैं सबको बोल रहा हूँ जितने भी मेरे आसपास हैं, जल्दी से सारे सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर भाई मेरे कराटे बहुत गंदे हैं, मैं खुद परेशान हूँ पता है अपने कराटों से, मैं खुद पता उठ जाता हूँ अपने कराटे सुन सुन के। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और हम पहुँच गए हैं जम्मू तभी। तो उतरने का जो है टाइम आ गया, और यहाँ से हम लेंगे कैब सीधा कटरा के लिए। पूरा 6:29 पे हम ट्रेन से बाहर निकल गए हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे बाहर जहाँ से हमारे को मिलेगी कैब। भाई साहब ऐसे लाइन लगती है इंडिया में, भारत में जो है कहीं भी जाने के लिए जो है लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए हम लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन बहुत लंबी है और हम सबसे आखिरी हैं। मतलब एकदम बढ़िया तरीके से हल्के हो गए, बढ़िया तरीके से हल्के हो गए हम जो है बाहर निकल रहे हैं, बाहर को मैंने बाहर निकाल दिया, सारे बाहर को बाहर निकाल दिया अपने शरीर के, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारा बाहर था। भाई देखो जम्मू स्टेशन के बाहर निकलते ही ना सामने वो टैक्सी बुकिंग है, और वहाँ प्रीपेड टैक्सी मिल जाती है, फिक्स प्राइसेस हैं, बाहर ही लिखे होंगे, तो वहाँ से जो है हम कटरा की जो है टैक्सी ले लेंगे। अब वो देख लेते हैं कितने, मुझे याद नहीं यार पहले 1500-1600 रुपए दिए थे, क्योंकि अपने को तो छोटी टैक्सी चाहिए, अपने को तो बड़ी टैक्सी चाहिए भी नहीं, बाकी वहाँ जाके देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखाने की कोशिश पूरी करूंगा। ये देखो मेरे दर्शकों, जय माता दी, सब बोल दो एक बार जय माता दी। देखो मैंने आपको दिखा दिया, जादू भी करा दिया। 1750 रुपए की यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी है कटरा की, इन्होंने मेंबर पूछा है तो मतलब छोटी गाड़ी के लिए पूछा हुआ, तो इसलिए हमने जो है 1750 यहाँ देंगे और यहाँ से निकल लेंगे। जय माता दी।
हाँ टाइट करना भूल गया था जब मैं बाहर अपने शरीर का बाहर निकाल के निकला बाहर। पर्ची की एंट्री यहाँ हो गई है, घंटी बज गई है, मतलब नेक्स्ट गाड़ी बाहर निकाल के लेके आओ, पर अपा ने गाड़ी लेनी घोड़ा नहीं लेना। भाई डेढ़ घंटा लगूगा, डेढ़ घंटे में कटरा। भाजी किलोमीटर कितना है इधर उधर कटरा? 55 किलोमीटर का रास्ता हम डेढ़ घंटे से पहले ही शायद पूरा कर लेंगे, क्योंकि उन तो ट्रैफिक में नहीं मिलना भाजी है ना। राइट 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 टोल। यार एक फायदा और है जम्मू तक ट्रेन पे आने का और उसके बाद गाड़ी से कटरा जाने का, कि आपको ना साथ साथ रोड ट्रेवल भी हो जाता है और आपको ना सीनिक रास्ते जैसे जम्मू तभी अभी मैंने आपको नदी वो रिवर दिखाई थी तो वो सब भी आपको पूरा हो जाता है। तो आप ये भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, मेजरली ट्रेन और डेढ़ घंटे का सिर्फ रोड ट्रेवल, और आपको अच्छा लगेगा, बहुत बहुत सीनिक रास्ता है एकदम। लो भाई आ गया अपना पहला जो है एक ही बन का टोल प्लाजा, पर वादे के मुताबिक यहाँ पे भी भीड़ नहीं है तो अच्छी बात है। बड़े दिनों बाद यार पहाड़ों के दर्शन हुए हैं, मैं तो 3 महीने से मैंने ट्रैवल ही नहीं किया यार, कितना अच्छा लग रहा है, पता मुझे सांस आ रही है जबरदस्त। हल्का हल्का ना बादल है ये, बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी वाली फीलिंग आ गई है सर्दियों वाली, जबरदस्त। यार एक चीज मैं बताने भूल गया था, नॉर्मली जो है राजधानी हमेशा टाइम पे ही होती है, बट आज राजधानी डेढ़ घंटा लेट थी। 5 बजे का नॉर्मली टाइम है जम्मू में पहुंचने का, बट आज हम 6:30 बजे पहुंचे। बट कोई नहीं, हमने कौन सा आगे कोई ट्रेन पकड़नी थी, हमें तो पाजी चाहिए थे, पाजी हमें मिल गए और अपने को कटरा पहुंचा रहे हैं। बढ़िया, जय माता दी। अभी नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है 3 तारीख से, तो बाहर एकदम सजावट हो गई है और हम कटरा एंटर कर गए भाई प्रॉपर। बस अब यहाँ से बस स्टैंड पहुंचेंगे और वहां हम जाएंगे निहारिका, वहां मैं आगे बताता हूँ आपको कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, आप मेरे साथ बने रहिए। पाजी वापस चले जाएंगे जम्मू, लेकिन आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। पाजी जाओगे वापस या रुकोगे इधर? तो भाई निहारिका हम एंटर कर गए हैं, बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में ही है ये, और यहीं पे ही जो है हमारे को आज रात को जो रुकने का ठिकाना है हमारा, यहीं से हमें पर्ची मिलेगी। भवन में हमने जो है रूम बुक किया है उसके लिए पर्ची हमें यहीं से मिलेगी, तो एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, उसकी पर्ची ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई ये देखो ये है इंक्वायरी, ये निहारिका में इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन, ऊपर का जो रूम मिलता है वो यहीं मिलता है। तो आओ चलाओ तो तुमको दिलवाता हूँ रूम बढ़िया तरीके से, आज हम रूम लेके ही मानेंगे। और देखो खाली खाली सा पड़ा है भाई, सबसे अच्छी बात यह है भीड़ नहीं तो हमेशा भीड़ होती है। देखो रूम मिल गया है, 1100 रुपये यहाँ जमा कराने। ये बहुत यार एक बड़ा ना ऊपर अगर रूम मिल जाए ना तो बहुत कम्फर्टेबल आता है, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। अब आराम से जाए खाना खाएंगे, सीधा हमारे को हेलीपैड ही जाना है और सीधा हमारे को रूम को जाना है। भाई ये देखो सबसे अच्छी चीज़ ये हमारे हाथ में जो है ऊपर रूम की पर्ची आ गई है, अब आराम से ऊपर स्टे करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे हेलीपैड, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर बुक्ड है जाने के लिए भी और आने के लिए भी। तो चलो जी करते हैं यहीं पे ब्लॉग को एंड, बाकी मैं आपको दोबारा से सब कुछ बताऊँगा कि क्या क्या जो है आगे का प्रोसीजर रहेगा, मैं दोबारा से फिर सब कुछ बताऊँगा कि कैसे रूम बुक होता है। अभी एक अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होनी है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, बने रहिएगा, आपको ये दर्शन बहुत अच्छे मैं कोशिश करूँगा करवाने की। वैसे तो देखो यार वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, बट जितना भी कैप्चर हो सकेगा मैं करवाऊँगा, लेट्स सी क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।